नामदार ने अपने ही जिलाध्यक्ष के साथ जो किया, बाल काटने के बारे में जो बात कही, ये आप सभी ने मीडिया में पढ़ा है ना, सुना है ना। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की यही असलियत है, कामगारों का अपमान करने में इनको बड़ा आनंद आता है। ये गरीब को, मेहनत करने वाले को उसकी हैसियत दिखाने से कभी नहीं चूकते हैं। साथियों, बाल काटने वाला हो, चौकीदार हो या फिर चाय वाला हो, हर कोई अपने कौशल से खाता है, कड़ी मेहनत करता है, अपने परिश्रम से कमाता है। वो ऐसे नामदारों की कृपा का मोहताज नहीं है। साथियों, नामदार परिवार के इस अहंकार को याद रखिएगा दोस्तों, ये अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, मेहनत कर हर इंसान का अपमान है, पसीना बहाने वाले हर किसी को इन्होंने अपमानित किया है। नामदारों, वो दिन चले गए, आपके पैसों पे हम पलते नहीं हैं, हम हमारे पसीने पर पलते हैं। और भाइयों बहनों, मैं गरीबी जी करके आया हूं, मैं मुसीबतों से जिंदगी काट करके आया हूं, और किसी भी मेहनत करने वाले का जो अपने हाथ से मजदूरी करके, अपने हुनर से, अपने कौशल से जो कमाता है, जिंदगी गुजारता है, कोई भी उसका अपमान करता है, वो अपमान मैं उसे मेरा अपमान मानता हूं। यह अपमान बीकानेर के एक युवक का हुआ ऐसा नहीं है, यह अपमान बीकानेर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का हुआ ऐसा नहीं है, यह अपमान हम जैसे मेहनत कश लोगों का अपमान हुआ है। और भाइयों बहनों, इनके इस अहंकार ने, यह अहंकार है, इस अहंकार ने देश के बड़े बड़े नेताओं को, राज्यों को, मुख्यमंत्रियों तक को नहीं छोड़ा है, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को उन्होंने नहीं छोड़ा है। आपको इनका पूरा हिसाब करना है, और बीकानेर के पास मौका आया है, ये मौका जाने मत दीजिए दोस्तों।